दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां हम देश और दुनिया भर से जुड़ी हर जरूरी खबर आप तक पहुंचाते हैं। लॉकडाउन 4 बहुत जल्द ही खत्म हो रहा है और ऐसे में लॉकडाउन 5 शुरू होगा या नहीं, और देश भर में दुकानें, बाजार, फ्लाइट, बस, रेलगाड़ी कब खुलेंगी, सबकी जानकारी हम आपको अपनी वीडियो में देने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन सबसे पहले हम चीनी बीमारी से संक्रमितों का आंकड़ा देख लेते हैं। देश में चीनी बीमारी से बुरा हाल है दोस्तों। पारा पहले ही 1 लाख के ऊपर पहुंच चुका है और अगले 5 दिनों में ये 2 लाख के पार जा सकता है। अब तक देश में 158,333 संक्रमण के मामले आ चुके हैं। इनमें से 86,110 का इलाज चल रहा है, 67,692 ठीक हो चुके हैं। और जैसे जैसे मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये आंकड़े और भी बढ़ रहे होंगे। इसी के साथ दोस्तों आज की बड़ी खबरों में आप देखेंगे कब खुलेंगे देश में स्कूल कॉलेज, जानने के लिए देखते रहिए। साथ ही देखेंगे 2 हफ्तों के लिए और बढ़ाया जा सकता है लॉकडाउन, इन 11 शहरों पर रहेगा पूरा फोकस। और सरकार दे रही 1 लाख रुपए जीतने का मौका, आरोग्य सेतु ऐप पर करना होगा ये काम। और आगे देखेंगे दोस्तों महामारी के बीच इस राज्य ने किया बड़ा ऐलान, 1 जून से खुलेंगे मंदिर, मस्जिद और चर्च। दोस्तों हर खबर बेहद जरूरी है, तो एक भी मिस ना करें और वीडियो पूरी जरूर देखें। लेकिन उससे पहले, इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए वीडियो को आप एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। फटाफट से ले चलते हैं आपको हमारी आज की सबसे पहली बड़ी खबर की तरफ। कब खुलेंगे देश में स्कूल कॉलेज? केंद्र सरकार लॉकडाउन में छूट का दायरा लगातार बढ़ाती जा रही है। इसी को देखते अब देशवासी इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही सरकार स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर किसी प्रकार की घोषणा कर सकती है। देश में लॉकडाउन लागू होने के बाद से स्कूल कॉलेज बंद है। अब खबरें आ रही हैं कि केंद्र सरकार ग्रीन और ऑरेंज जोन में स्कूल जुलाई तक खोले जाने के संबंध में आदेश दे सकती है। इस संबंध में अब गृह मंत्रालय की ओर से एक बड़ा बयान आया है। गृह मंत्रालय ने बताया कि स्कूल और कॉलेज खोलने पर अभी किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं लिया गया है। गृह मंत्रालय के इस बयान के बाद स्कूल और कॉलेजों को जल्द ही खोलने के कयासों पर विराम लग गया है। 2 हफ्ते के लिए और बढ़ाया जा सकता है लॉकडाउन, इन 11 शहरों पर रहेगा पूरा फोकस। देश में लगातार बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए सरकार लॉकडाउन को 31 मई के बाद 2 हफ्ते के लिए बढ़ा सकती है। हालांकि इसका पूरा फोकस देश के उन 11 शहरों पर होगा जहां चीनी बीमारी के लगभग 70% मामले सामने आए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि लॉकडाउन को अगले चरण में बढ़ाया जा सकता है और वह 11 शहरों पर केंद्रित रह सकता है जहां देश भर के लगभग 70% मामले सामने आए हैं। इन शहरों में दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, अहमदाबाद और कोलकाता, 6 प्रमुख मेट्रो शहर के अलावा पुणे, ठाणे, जयपुर, सूरत और इंदौर शामिल है। हालांकि गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के 5वें चरण को लेकर चल रही खबरों की पुष्टि अभी नहीं की है। दोस्तों इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले बताते हैं। अगर आपको भी दुनिया भर की खबरें सबसे पहले चाहिए तो चैनल को बिना भूले नीचे दिए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस कर दें। दोस्तों इसी बीच एक बेहद जरूरी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। अगर आप भी पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो इसे जरूर जान लें। पेटीएम के ग्राहक सावधान, भूल कर भी ना करें ऐसा, नहीं तो हैक हो जाएगा बैंक अकाउंट। लोग महामारी के डर की वजह से किसी भी चीज का नकद पेमेंट करने में हिचक रहे हैं। लोग नकद रुपयों की जगह ऑनलाइन पेमेंट का ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं, जिसके लिए लोग ऑनलाइन पेमेंट ऐप जैसे पेटीएम वगैरह का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं। ऐसे में साइबर क्राइम की चांसेस भी बढ़ गए हैं, इसीलिए ऐसे में सभी को सचेत रहने की काफी जरूरत है। ऐसे में पेटीएम की ओर से लोगों को सलाह दी गई कि किसी भी प्रकार के झांसे में ना आए और पैसा दोगुने करने जैसी बातों पर ध्यान ना दें। लोगों को साइबर क्राइम से सचेत करते हुए पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा का एक ट्वीट आया है। इस ट्वीट में उन्होंने लोगों को ऑनलाइन ठगी का शिकार होने से बचने को कहते हुए यूजरों को एक नए तरह के ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में बताया। इस पोस्ट में पेटीएम यूजरों को पैसा दोगुना करने का वादा करके ठगा जा रहा है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब पेटीएम के नाम पर ठगी का मामला सामने आया हो या पेटीएम ने पहली बार लोगों को आगाह किया हो। इससे पहले भी पेटीएम की ओर से लोगों को आगाह किया जा चुका है। इस वीडियो को देखते रहिए दोस्तों, क्योंकि आगे आने वाला है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में आतंक मचाने के बाद यूपी के झांसी में दोबारा पहुंचा टिड्डियों का दल, वीडियो देखकर दंग रह जाएंगे। सरकार दे रही है आरोग्य सेतु ऐप से 1 लाख रुपए जीतने का मौका। सरकार ने आरोग्य सेतु में निजता को लेकर उठाई जा रही चिंताओं को देखते हुए मंगलवार को इसके स्रोत कोड को सॉफ्टवेयर विकसित करने वाले समुदाय की ओर से जांच परख के लिए खोलने की घोषणा की। सरकार ने इसके साथ ही इसमें खामियों का पता लगाने वाले को बड़ी राशि का पुरस्कार देने का भी ऐलान किया है।
महामारी से लोगों को सतर्क करने के लिए आरोग्य सेतु ऐप की शुरुआत की गई, लेकिन कुछ लोगों ने इस ऐप के जरिए लोगों के निजी डेटा जुटाए जाने और इनकी निजी जिंदगी के बारे में तांग झांग करने का आरोप लगाया। सरकार ने इन्हीं चिंताओं का समाधान करने के लिए यह कदम उठाया है। इसमें खामी का पता लगाने और इसके कार्यक्रम सुधार के सुझाव देने वालों के लिए यह पुरस्कार रखे गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशीलता को लेकर 3 स्टेडियो में प्रत्येक में 1,00,000 रुपए का पुरस्कार रखा गया है, जबकि कोड में सुधार के सुझाव के लिए पुरस्कार 1,00,000 रुपए का रखा गया है। इस राज्य ने किया बड़ा ऐलान, 1 जून से खुलेंगे मंदिर, मस्जिद और चर्च। इस बार लगे लॉकडाउन में केंद्र सरकार ने आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कई तरह की छूट भी दी है, लेकिन सभी तरह के आध्यात्मिक स्थलों को बंद रखा गया। ऐसे में बंद कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदुरप्पा ने एक बड़ा फैसला लिया है और उन्होंने कहा है कि हम 31 मई के बाद सभी मंदिर, मस्जिद और चर्च खोलने जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि मंगलवार को ही कर्नाटक के हिंदू धार्मिक संस्थान एवं धर्मार्थ दान मुजरई मामलों के मंत्री श्रीनिवास पुजारी ने कहा था के 1 जून से राज्य के सभी मंदिर खोल दिए जाएंगे। उसके बाद आज मुख्यमंत्री बीएस येदुरप्पा ने मंदिर के साथ ही मस्जिद और चर्च को भी खोलने का ऐलान कर दिया है। इस मामले में हिंदू धार्मिक संस्थान मंत्री पुजारी ने कहा है कि हमने मुख्यमंत्री के साथ इस मामले पर चर्चा कर ली है, उसी दौरान ये फैसला लिया गया। राजस्थान और मध्य प्रदेश में आतंक मचाने के बाद यूपी के झांसी में दोबारा पहुंचा टिड्डियों का दल। राजस्थान और मध्य प्रदेश में आतंक मचाने के बाद टिड्डियों का दल बुधवार को एक बार फिर उत्तर प्रदेश के झांसी पहुंच गया। कृषि विभाग की एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। झांसी मंडल के कृषि उप निदेशक कमल कटियार ने बताया कि झांसी की गरौठा तहसील के स्किल गाँव के पास शाम करीब 4:30 बजे टिड्डियों का एक दल पहुंचा और उसे भगाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने बताया कि ये दल लगभग 1 किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है। टिड्डियों के हमले की आशंका के मद्देनजर दमकल वाहनों को पहले से ही तैयार किया गया था और इन कीटों को भगाने के लिए कीटनाशकों का गहन छिड़काव किया जा रहा है। जानकारी ये है कि 22 एवं 24 मई को टिड्डियों के एक बड़े समूह ने झांसी जिले के कुछ इलाकों पर हमला किया था, मगर पहले से ही सतर्क प्रशासन एवं ग्रामीणों की मदद से आधे से अधिक टिड्डियों को मार डाला गया था, लेकिन अब ये यूपी, हरियाणा और दिल्ली NCR की ओर बढ़ रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों, आप आगे की बड़ी खबरों में देखने वाले हैं 10वीं बोर्ड के नतीजे घोषित, यहां देखिए रिजल्ट और नए कानून के बाद मिलेगा श्रमिकों को एक बार घर जाने का किराया। पूरी जानकारी के लिए देखते रहिए, साथ ही मेट्रो रेल भर्ती 2020 जल्दी करें आवेदन। दोस्तों, 10वीं बोर्ड के नतीजे घोषित हो चुके हैं। आपको बता दें कि इसके बाद बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड BSEB ने लंबे इंतजार के बाद 10वीं क्लास के रिजल्ट की घोषणा कर दी है। इसी के साथ 15 लाख से ज्यादा छात्रों का इंतजार भी खत्म हो गया है। बोर्ड ने छात्रों की कॉपियों का मूल्यांकन और टॉपर्स के इंटरव्यू की प्रक्रिया पहले ही पूरी कर ली थी। छात्र बिहार बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। बिहार बोर्ड की 10वीं की परीक्षाओं में 30% अंक लाने वाले छात्र को पास माना जाता है। इसी बीच दोस्तों, एक बार मौसम का हाल देख लेते हैं। महामारी की मार सह रही दिल्ली अब गर्मी से उबल रही है। भीषण गर्मी ने यहां पर लोगों का जीना मुहाल कर दिया है, तो भारतीय मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में कहा है कि 28, 29 और 30 मई को पर्वतीय और मैदानी इलाकों में बारिश होने की संभावना है। साथ ही आंधी तूफान से नुकसान की भी आशंका रहेगी। अभी पारा 40 के पार बना हुआ है, लेकिन बारिश के बाद गर्मी से थोड़ा राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में आज भी लू चलेगी। नए कानून के बाद मिलेगा श्रमिकों को एक बार घर जाने का किराया। मौजूदा प्रवासी संकट से सीखते हुए सरकार 41 साल के बाद प्रवासी श्रमिकों को फिर से परिभाषित करने जा रही है। प्रवासी मजदूरों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने के लिए केंद्र इस साल के अंत तक एक कानून बनाने जा रही है। सरकार के नए कदमों को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि वर्तमान कानूनी ढांचा ठीक नहीं है। प्रवासियों के पलायन से सामने आया कि उनके रोजगार का रिकॉर्ड तक नहीं है, जिसने सरकार को कानून में बदलाव के लिए प्रेरित किया। सूत्रों ने बताया कि इन श्रमिकों को पूरे देश में पोर्टेबिलिटी का लाभ मिलेगा और हर साल एक बार घर जाने का किराया दिया जाएगा। वहीं बसों को भी मिली हरी झंडी। जी हाँ दोस्तों, धीरे धीरे लॉकडाउन के कम होते अब उड़ीसा राज्य सरकार की ओर से बसों के आवागमन की स्वीकृति दे दी गई है। निजी बस मालिक महासंघ तथा परिवहन मंत्री पद्मनाभ बेहरा की बैठक में 3 महीने के टैक्स छूट पर सहमति के बाद बुधवार से बसों का आवागमन शुरू होना था, पर दस्तावेज तैयार नहीं होने के कारण इनमें 3 से 4 दिन का समय लगेगा। राउरकेला बस स्टैंड से 100 से अधिक एक्सप्रेस तथा 150 से अधिक लोकल बसों का आवागमन होता है। लॉकडाउन के चलते 2 महीने से बसों का आवागमन बंद है। लॉकडाउन में ढील मिलने के बाद सरकार की ओर से 50% यात्रियों को लेकर बसों को चलाने की अनुमति दे दी गई थी। दस्तावेज तैयार होने में
तीन चार दिन का समय लगेगा। 1 जून के बाद ही स्थिति सामान्य होने की संभावना है। मेट्रो रेल भर्ती 2020 की शुरुआत हो गई है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC लिमिटेड नौकरी अधिसूचना। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC लिमिटेड ने जनरल मैनेजर RS और डिपो इक्विपमेंट पद पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक व्यक्ति दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC लिमिटेड भर्ती 2020 के लिए निर्धारित प्रारूप के माध्यम से 17 जून 2020 तक या उससे पहले आवेदन कर सकते हैं। और इसी के साथ आगे आप देखने वाले हैं दोस्तों, आप व्हाट्सएप से होगा आपका गैस सिलेंडर बुक, यहाँ जानिए डिटेल। और नेपाल के PM ने लगाया आरोप, कहा भारत के कारण यहाँ पर बढ़ रहे चीनी बीमारी के मामले। दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जहां WHO ने बहुत बड़ी चेतावनी दे दी है। बस कुछ ही दिनों में लॉकडाउन 4 की अवधि खत्म होने वाली है, लेकिन उससे पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि जिन देशों में चीनी बीमारी के मामले घट रहे हैं उन्हें ज्यादा निश्चिंत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि WHO ने चेतावनी दी है कि जिन देशों में संक्रमण के मामले में कमी आ रही है वहां अचानक मामले बढ़ भी सकते हैं। संगठन के मुताबिक महामारी की दूसरी लहर पहली से ज्यादा तेज और खतरनाक साबित होगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के इमरजेंसी प्रमुख डॉक्टर माइक रियान ने कहा है कि बीमारी के केस घटने पर ज्यादा खुशफहमी पालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केसों में अचानक बढ़ोतरी भी दर्ज की जा सकती है। अब व्हाट्सएप से होगा आपका गैस सिलेंडर बुक। देश की दूसरी बड़ी तेल मार्केटिंग कंपनी भारत पेट्रोलियम BPCL ने गैस उपभोक्ताओं के लिए नई सुविधा शुरू की है। अब आप व्हाट्सएप के जरिए भी गैस सिलेंडर बुक करवा सकते हैं। व्हाट्सएप पर गैस सिलेंडर बुक करने की सुविधा पूरे देश में शुरू की गई है। भारत पेट्रोलियम के देश भर में 71 मिलियन से अधिक गैस उपभोक्ता है। गैस वितरण के मामले में भारत पेट्रोलियम इंडियन ऑयल के बाद दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। भारत गैस के मुताबिक रसोई गैस उपभोक्ता व्हाट्सएप नंबर 1800224344 पर अपना गैस सिलेंडर बुक करा सकते हैं। ध्यान रखें कि इस व्हाट्सएप नंबर पर केवल उसी फोन नंबर से गैस बुक कराई जा सकती है जो नंबर गैस एजेंसी में रजिस्टर्ड है। वहीं एक और बड़ी खबर, 1 जून से बदल रहे हैं रेलवे राशन कार्ड और फ्लाइट से जुड़े कई नियम। जी हां दोस्तों, 1 जून से आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी कई चीजें बदलने वाली है। इसमें रेलवे, बस, राशन कार्ड और एयरलाइन से जुड़े बदलाव शामिल हैं। महामारी के कारण लॉकडाउन के चलते देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे लोगों की राहत के लिए भारतीय रेलवे 1 जून से 200 अतिरिक्त ट्रेनें चलाने जा रहा है। ये 200 ट्रेनें नॉन AC होंगी। और केंद्र सरकार आगामी 1 जून से अपनी महत्वाकांक्षी योजना वन नेशन वन राशन कार्ड को देश भर के 20 राज्यों में लागू करने जा रही है। इसके बाद इन 20 राज्यों में राशन कार्ड धारक किसी भी प्रदेश के सरकारी राशन केंद्र से राशन की खरीदारी कर सकेंगे। साथ ही बजट कैरियर गो एयर सरकारी निर्देशों और नियमों का पालन करते हुए 1 जून से अपनी घरेलू उड़ानें शुरू करने वाला है। नेपाल के PM ने लगाए भारत पर बड़े आरोप। नेपाल लगातार भारत विरोधी बातें कर रहा है। हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री KP ओली ने नया पॉलिटिकल मैप जारी कर भारतीय क्षेत्र लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी को अपना हिस्सा बताया था। अब उसने देश में तेजी से बढ़ रहे महामारी के लिए भारत के लोगों को जिम्मेदार ठहराया है। KP ओली ने कहा है कि दक्षिण एशियाई देशों की तुलना में नेपाल में मृत्यु कम है। उन्होंने कहा कि भारत के कारण यहां पर महामारी के मामले बढ़ रहे हैं, लोग भारत से सही तरीके से चेकिंग करवाए बिना यहां पहुंच रहे हैं, जिसके कारण संक्रमण तेजी से फैल रहा है। नेपाल के स्वास्थ्य अधिकारियों की शिकायत है कि कई लोग भारत नेपाल की सीमाओं में ऐसे ही घुस आए हैं। इन लोगों को क्वारंटाइन में नहीं भेजा जा सका। उनके मुताबिक लॉकडाउन के बावजूद बीते महीने नेपाल में कुछ ऐसे लोगों ने प्रवेश किया जो पहले से संक्रमित थे। उनमें से कई लोग ग्रामीण इलाकों में स्थित अपने घर चले गए। ऐसे में सरकार के लिए उनकी ट्रैकिंग और ट्रेसिंग करना बहुत मुश्किल हो गया है। इसी के साथ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, भारत और चीन में कुछ अच्छी नहीं बन रही और ऐसे में कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसे में यदि भारत और चीन के बीच युद्ध होता है तो आप भी देखिए कि भारत चीन के मुकाबले कहां पर है। ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 की रैंकिंग में भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश है जिसके पास सबसे ताकतवर सेना है। ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक भारत के पास इस समय एक अनुमान के मुताबिक कुल 45,44,000 मिलिट्री पर्सनल है। अगर चीन की बात करें तो ग्लोबल फायर पावर लिस्ट में यह तीसरे नंबर पर है। चीन के पास इस समय कुल 26,93,000 मिलिट्री पर्सनल हैं। भारत की मिलिट्री के पास 212 एयरक्राफ्ट हैं। चीन की बात करें तो उसके पास करीब कुल 3,210 एयरक्राफ्ट हैं। इंडियन नेवी के पास 285 ऐसे संसाधन हैं जो तटीय सीमा की सुरक्षा करते हैं। चीन के पास सिर्फ 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। यह सब तो रही नंबर्स की बात।
लेकिन हम आशा करते हैं और चाहते हैं कि ऐसा कभी भी ना हो कि किसी भी देश के बीच युद्ध हो, क्योंकि इससे किसी को कभी भी कोई फायदा नहीं होता, बल्कि उस देश में रहने वाले लोगों को बहुत परेशानियां आ सकती हैं। दोस्तों, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी सरकार के लिए क्या सलाह है कि उन्हें कैसे लॉकडाउन के बाद स्थिति को संभालना चाहिए। अपना जवाब नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही अगर आपको ऐसे ही न्यूज हर रोज अपने मोबाइल फोन पर चाहिए तो बिना भूले हमारे चैनल को नीचे दिए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।